नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 18 जुलाई की शिफ्ट वन, ठीक है। और अभी तक जितने पेपर हुए होंगे आप लोगों ने देख लिया होगा, 2022 के प्री से तो बहुत अच्छा पेपर आया हुआ है, ठीक है। तो इसको अच्छे से एनालिसिस कीजिए, उसी तरीके से आपकी फर्दर आगे तैयारी होनी चाहिए। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। अब ये देखो, पहला सवाल है 10 a/2 बराबर एक्स है तो एक्स का मान क्या होगा। आप यहाँ पर मान रख लो ए बराबर 60 रख लो, 90 मत रखना, यहाँ पर तो आपको सहूलियत लगेगी लेकिन ऑप्शन में आपके मैच कर जाएंगे, ठीक है। तो 60 डिग्री रखा तो यहाँ पर 10 30 हो गया, यानी कि 10 30 बराबर कितना आ गया, ए आ गया। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1/√3 बराबर में ए, ये हमें सेटिस्फाइड करना। तो यहाँ पर रखेंगे 1 1 माइनस का 2 अपॉन में हो गया, 1 प्लस का 1/2 हो गया। तो ऊपर करेंगे तो 2 से 1 गया 1, नीचे हो गया 3/2, यहाँ पर भी 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, पूरे में रूट लगा हुआ था, यानी कि 1/√3 आंसर आ गया। अब इसमें भी चेक कर लेते भाई, आप 1 प्लस का देखो, सेम कंडीशन में अगर मान प्लस माइनस ऊपर नीचे हो गए तो मेरे हिसाब से तो आंसर नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन आप अगर कहते हैं तो चेक किया जाएगा, ऐसा थोड़ी ना मार दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा ऐसे ही। तो यहाँ पर 3/2 हो गया और इधर करेंगे ये 1/2, तो ये तो √3 बन गया, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर भी कर लो आप, यानी कि 1/2 और माइनस का आ रहा है, यानी कि 1/2 इधर माइनस करेंगे तो ये अंदर माइनस का बना देगा, तो ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर हमारा कौन सा आ गया, ए आ गया। तो वैल्यू पुटिंग से आप आसानी से कर सकते थे। 20 लोगों की टीम का औसत इतना है, प्रकलित किया गया कि बाद में पता चला कि एक भार को गलती से 70 kg के बजाय 68 पढ़ लिया गया, सही औसत भार क्या है। तो देखो सिंपल सी बात ये होगी कि एवरेज इससे तो ज्यादा आएगा, अब कितना ज्यादा आएगा, यानी कि 77 को गलती से क्या पढ़ लिया, 68 पढ़ लिया, तो यहाँ पर कितने का फर्क पड़ा, यानी कि 17 से 8 गया तो 9 बच गया, यानी कि हमें फर्क 9 का पड़ रहा है, यानी कि 9 का फर्क पड़ा, लेकिन कितने लोगों में है, 20 लोगों में, एक लोगों का फर्क आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 × 4 = 8 कर देंगे और फिर 2 × 5 = 10, अब एक जीरो और नीचे था, यानी कि 59.8 प्लस में 0.45 हो जाएगा, तो 5 × 8 = 12 हो जाएगा, इधर 60.25। अगला सवाल, त्रिकोणमितीय सूत्रों का उपयोग करके इसका मान हमें बताना था, तो आप लोग यूज करेंगे क्या, मुझे तो नहीं लगता कोई यूज करेगा, जब यहाँ पर नंबर दिए गए हैं तो हमें क्या करने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर एक तरीके से फंस सकते हो, कैसे फंस सकते हो, जैसे अगर मान लो तुमने मान लिया 45 45 मान लिया, तो ऊपर तो 0 डिग्री हो गया, नीचे में 90 हो जाएगा, तो ये तो पूरा कितना बना देगा, ये तो पूरा टर्म 0 बना देगा, ये भी तो मान रख सकते हैं ना। लेकिन आपको केवल इतना ध्यान रखना था कि यहाँ पर जैसे ही करते, यानी कि ऊपर करते 2 तो नीचे 1 - 1 ये 0 हो जाता, ये इनफाइनाइट बना देता, तो हम 45 डिग्री नहीं रख सकते थे, बस इतना आपको दिमाग लगाना था। अब यहाँ पर किसी एक को 0 कर लो, जैसे मैंने कर लिया 2 = 0, तो बचा क्या है, साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स, और इधर हो गया देखो यहाँ पर हमने 2 = 0 किया है ना, तो यहाँ पर टेन एक्स अपॉन में टेन एक्स लिखो, और अभी समझाते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, इनटू में था। अब यहाँ पर देखो, अगर साइन वाई अपॉन में कॉस वाई करते तो ये साइन वाई का मान तो क्या हो गया, 0 हो गया, और नीचे कॉस वाई का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ तो इनफाइनाइट नहीं बन रहा, यानी कि हम वैल्यू रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। अब इनको काट दो, आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसमें कोई यही चाहता है कि नहीं मुझे सोल्यूशन ही करना है, तो भैया उसको भी देख लो। अब यहाँ पर देखो, अगर इसका फार्मूला खोलते तो ये क्या हो जाता, साइन एक्स कॉस एक्स माइनस का दोनों, अच्छा बाई था ना, ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस एक्स और साइन बाई हो गया, ठीक है। इधर इसी तरीके से नीचे खोलते तो ये साइन एक्स कॉस बाई हो गया प्लस कॉस एक्स साइन बाई हो गया, ठीक है, ये तो एक सॉल्व हो गया। यहाँ पर आप इसको क्या लिख सकते थे, साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स लिख सकते थे, और इसको लिख सकते थे साइन वाई अपॉन में कॉस वाई, तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख रहे हैं क्या, कॉस एक्स और साइन वाई हमने ले लिया कॉमन, सॉरी एलसीएम कॉस वाई। अब इधर क्या बना देगा, ये साइन एक्स कॉस वाई, और फिर प्लस में क्या हो जाएगा, साइन वाई कॉस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर बटे में कर देंगे, टेन एक्स का मान क्या हो गया, साइन एक्स, और इनटू में क्या हो जाएगा, कॉस वाई, यहाँ पर माइनस का बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा साइन वाई और इनटू में कॉस एक्स, अपॉन में क्या हो गया, कॉस एक्स, और ये हो गया कॉस, तो ये तो इससे कट गया, अब बचा हुआ ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, तो आंसर तो बन आना था ना। आप जैसे करना चाहो वैसे कर लो, अगर आपको फार्मूले अच्छे से पता होते आप वैसे भी कर लेते मार। चलो फिर अगला सवाल करते हैं, 30 पुरुष एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 6 दिन के बाद
24 और पुरुष उनके साथ जुड़ जाते हैं, शेष काम को पूरा करने में उन्हें अब कितने दिन लगेंगे। तो देखो 30 पुरुष ने 6 दिन का काम कर लिया, बचा कितना 6 दिन का काम, टोटल 12 दिन का था, 6 दिन कर लिया, 6 दिन चले गए। अब यहाँ पर 24 और पुरुष आ गए, यानी कि टोटल कितने हो गए, 54 पुरुष हो गए। अब ये x दिन में निपटा देंगे, तो यहाँ पर 6 × 18 = 180 हो गया, या तो ऐसे करो 6 × 54 हो गया, तो 3 × 9 हो गया, यानी कि x बराबर आ जाएगा 3 × 1/3 दिन। अगला सवाल, 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु A पर बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। PQ क्रमशः O1 और O2 केंद्र वाले उन दो वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा PQ की लंबाई क्या होगी। अब ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, यानी कि उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी हो गई, 15 हो गई। अब हम इसी तरीके से तो करते थे, तो यहां से इनको मिला देंगे, 10 से 5 गया, 5 हो गया। इसका मान निकालना था अंडर रूट 15 का स्क्वायर - 5 का स्क्वायर, तो यहाँ 15 × 5 = 20 हो गया, और 15 से 5 जाएगा 10 हो गया, यानी कि 10 बार आ गया, रूट 2 माना। ठीक है, अब ये आपको बस दिमाग में रखना है, हमने इतनी बार आपको बताया है, बस केंद्र के बीच की दूरी कितनी दे दी थी, 15 ये दे दी थी, ये इसकी रेडियस कितनी थी, 10 थी, इसकी रेडियस 5 थी, ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। इस स्पर्श रेखा को हम नीचे लेके आ जाते हैं, हम कहते हैं कि तुम यहाँ कर क्या रहे, अकेले सब लोग अंदर मौज काट रहे, तुम चलो भाई। तो इनको यहां तक लाते हैं जब तक ये इस वाले केंद्र तक ना आ जाए। अब ये जैसे यहाँ पर 90 बना रहा, तो यहाँ पर भी 90, और ये कितना आ जाएगा, 10 - 5, तो ये ट्रिपलेट लगा के नहीं कर पाओगे, आंसर आ जाएगा। एक पुलिसकर्मी को 400 मीटर की दूरी पर एक चोर दिखता है, जब पुलिसकर्मी पीछा करने लगता है तो चोर भी भागने लगता है, यदि चोर की चाल इतनी और पुलिस की चाल इतनी है, तो पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले तक चोर कितनी दूरी तक भाग चुका था। तो सिंपल सी बात है, दोनों में डिफरेंस देखो, पहले कितने का आ रहा, 8 का, 8 बराबर दिया था 400, और हमें निकालना कितना था, 32 बराबर, तो 8 × 32 = 16, आपको ऐसे ही करना है अगर आपका बेसिक क्लियर है तो। अब बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पर पुलिस, ये चोर वाला यहाँ पर पकड़ा गया, तो पुलिस वाले ने भी तो यहीं पर उसे पकड़ा होगा, और कोई तो नहीं पकड़ने आएगा, टाइम तो दोनों जगह सेम लग रहा, बस यही कॉन्सेप्ट लगता है। तो स्पीड में रेशियो 32 और 40 का, तो टाइम में रेशियो क्या हो जाएगा, सॉरी डिस्टेंस में, जो स्पीड में होता है वही डिस्टेंस में होगा, यानी कि 32 और 40 का, तो हमारे हिसाब से कितना डिफरेंस है, 8 का, क्वेश्चन में 400 दिया गया था। अब चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि रेशियो बनाओगे तो कट जाते हैं दोनों, तो फिर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। अब 8 बराबर इतना हो गया, अब हमें किसकी डिस्टेंस निकालनी थी, चोर की, तो चोर इतनी चाल से इतनी डिस्टेंस कवर कर रहा था, तो 32 बराबर कै गुना हो रहा था, 4 गुना, तो इसका भी 4 × 16। अगला सवाल, अब ये संख्या पूर्णतः विभाज्य होगी, यहाँ सम नहीं पूछा गया था, पिछली वाली शिफ्ट में जो करवाया था वहां सम पूछा गया, तो यहाँ पर 4 की पावर 12 कॉमन ले लिया, तो बचा क्या है, 1, फिर बचा 4, फिर 4 की पावर 2, फिर यहाँ पर 4 की पावर 3 बच गया, यानी कि 4 × 16 = 64, यहाँ पर 16 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, तो यहाँ से जोड़ेंगे तो 6 × 16 = 20 हो गया, 60 × 20 = 80 = 84, यानी कि 85। अब 85 किससे डिवाइड होता है, 17 से, बात खत्म। अगला सवाल, मान लीजिए ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर क्रमशः पी क्यू और इतनी इतनी भुजाओं के मध्य बिंदु हैं, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल इतना है, तो ए बी सी का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखो मध्य बिंदु की बात कर रहा था वो, तो इस तरीके से यहाँ पर ये रहा होगा, ठीक है। अब इसका एरिया 4 बराबर भागों में बढ़ जाएगा, समझ में आ गई बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो सिंपल सी बात कि 4 बराबर हमें दिया था 32 और 1 बराबर निकालना था, 8 आंसर। अगला सवाल, समझ गए ना, क्योंकि पूरे का पूरे ट्रेंगल का एरिया दिया गया था और इतने पार्ट का हमें केवल निकालना था, तो यहाँ पर हम लिख दें क्या, पी क्यू और ये आर हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी। अगला सवाल, तृतीय अनुपात, भैया 2 नंबर आपको दिए हो तो तृतीय अनुपात निकालना, तो B² / AB, तो सिंपल सी बात है, x - y × x - y, अब डिवाइड करेंगे इस नंबर से, तो इसको ओपन करके ही लिख लें, यानी कि x - y और x + y, तो हमारा आंसर आसानी से आ गया। अगला सवाल, 10,000 मूल्य की वस्तु खरीदने पर एक दुकानदार अपने ग्राहकों को ₹500 की फ्लैट छूट प्रदान करता है, इसके अलावा क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके खरीदारी करने पर 7% की अतिरिक्त छूट देता है, यदि कोई ग्राहक क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर 10,000 का सामान खरीदता है तो उसे कितना भुगतान करना होगा। तो देखो 10,000 की चीज उसने खरीदी, ठीक है, 500 तो पहले उसने नगद दे दिए, तो ये आप लिख के वहां घटाते नहीं घटाते,
आप डायरेक्ट 9500 करते, आपने देख लिया 97% की छूट और मिल गई, तब आप बेवकूफी करके इसमें 93% निकालने नहीं जाते, आप इसका डायरेक्ट 7% निकालते, तो 7% जो भी आता वो इससे घटा देते, तो यहाँ पर 7×5 35 हो गया, 7×9 63 और 3 कितना हो गया 66, 10×5 गया तो 5 बच गया, 9×6 गया 3, जैसे ही 3×5 मिला आपका आंसर भी मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से देखो कितना ये सब लिखने की जरूरत है, ये बच्चों वाले खेल है, डायरेक्ट आपको 95×7 करना था और इतना कर ही लेते, इतना तो ओरल करना ही पड़ेगा, अगर ये भी आप कह रहे हो कि नहीं हो पाता तो फिर उस पर काम करिए ना। एक दुकानदार नीचे दी गई छूट संबंधित योजनाओं की पेशकश करता है, 10%, 15% की दो क्रमिक छूट, 5 वस्तुओं की खरीद पर 2 मुफ्त पाए, किस योजना की छूट परसेंटेज अधिकतम होगी। अब आप ये तो समझ गए, आपको केवल इस पर छूट देखनी थी, यानी कि 2/7 और 100 का गुणा कर देंगे परसेंटेज के लिए, 7×2 = 14 हो गया, 6×5 = 7×63 ज्यादा, यानी कि 28% हो रहा। अब यहाँ पर देखो 10 और 15 कितना हो रहा है, 25 हो रहा है, यानी कि ये यहीं पर 25 हो रहा है, इसका मतलब ये छूट ज्यादा है, क्योंकि अभी फार्मूला लगाओगे तो 10×15/100 और करोगे तो ये तो ऑलरेडी कम हो जाएगा, तो देखते ही आपको आंसर लगाना था। दिए गए व्यंजक का सरलीकरण करें, देखो यहाँ पर आपको दो चीजें, एक ही चीज ये फार्मूला पता होना चाहिए, अगर आप यहां से करते हैं तो ये डायरेक्ट आ जाता है 4ab, ठीक है, तो यहाँ पर 4×326 और फिर हो जाएगा 2×22, 322 × 222, ये कैंसिल आउट आंसर। अच्छा अगर आपको फार्मूला याद होता तो क्या बताओ, पेन चलाने की जरूरत है, आप अगर कर पाते, बिल्कुल आप लोग तो कर लेते होंगे, जो नहीं कर पाते उनकी बात मैं कर रहा हूँ। 24 से विभाज्य का मतलब 3×2 = 6, 24, तो सबसे पहले सबसे आसान 3 ही रहता है, तो 3 को देखते हैं, 9 3 से कट ही जाएगा, 5 4 9 कट ही जाएगा, 2 1 3 कट गया, फिर यहाँ पर देखो 6 कट जाएगा, 3 से 7 4 11 नहीं कटेगा, 6 कट गया 3 से, ये भी कट गया, ये भी 3 से कट गया, 8 2 10 नहीं कटेगा, फिर 6 कट जाएगा, ये कट जाएगा, फिर 5 2 7 और 7 8 7 15, यानी कि हमें 2 मिल गए, एक लास्ट वाला मिल गया और एक फर्स्ट वाला मिल गया। अब हमारे पास क्या क्या बचा, 2×4 बचा, तो 4 का और देख लेते हैं, तो यहाँ से हमने किया 4×1 = 4, बचा कितना है 2, तो 4×7 = 28, ये तो कट गया, 8 का और देख लेते हैं भैया, 8×2 = 64, 2 बच रहा है, यानी कि 8 से ये डिवाइड नहीं है, और 8 से ये डिवाइड हो जाए क्योंकि 4×2 = 8। अगला सवाल, किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं के अंतर का घन इतना है जबकि दी गई इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो दी गई इन दोनों संख्याओं के घनों का धनात्मक अंतर क्या होगा। तो कहने का मतलब है कि a-b³³ = 1728 दिया था, और फिर a×b = हमको 108 दिया था, और हमसे पूछा था घनों के अंतर, ये हमसे पूछा था। अब यहाँ से एक चीज देखो, अगर इसका फार्मूला खोलने जाओगे, किसका, इसका, तो ये बनेगा क्या पहले, तो अगर आप फार्मूले से करेंगे वो तो एक चीज अलग होगी, चलो छोड़ो उसको, वहां से यहाँ से अगर a माइनस बी करते तो ये 12 हो जाएगा, क्योंकि 1728 किसका क्यूब है, 12 का है, और यहाँ पर ए बी हमको दिया गया था 108, तो ये तुम्हें टेबल याद नहीं है, या तो 12 9 में 108, लेकिन 12 और 9 का डिफरेंस घटाओगे तो 12 तो नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर दो ऑप्शन मिले, 12 9 में 108 और 18 6 का 108, इस पर देखो ये फॉलो हो जाएगा, 18 - 6 करेंगे 12 आ गया, तो 18 का क्यूब अब याद होना चाहिए था, अगर 18 का क्यूब याद नहीं फिर यहाँ पर फंस जाओगे, और फिर क्या करोगे, फिर फार्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो 12 से 6 गया 6 हो गया, यहाँ पर 2 से 1 गया 1 हो गया, जैसे ही 16 मिला आंसर लगा। बाकी अगर फार्मूले से ही करना चाहते तो देखो इसको हम क्या लिख सकते थे, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3ab, और ब्रेकेट में ए माइनस बी आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा, इसका क्यूब यानी कि 1728, इसका मान आपको पता है ना 108 हो जाएगा, और ए माइनस बी ये 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर गुणा करो उतना ही, बात वही पढ़नी, आप चाहे किधर से भी करो, मेहनत तो उतनी करनी है, ए ये हो जाएगा 1728 और ये प्लस में पहुंचेगा, इधर करेंगे तो 12×8 = 96 और 12×1 = 12 हो गया, गुणे में कर देंगे 3, तो ये पहुंचेंगे 1728 और 3×6 = 18, 3×9 = 27 और 12×3 = 36 हो तो 38, 8×8 = 16 हो गया, हाँ से लगा 1, 8×3 = 11 हो गया, हाँ से लगा 1, 8×8 = 16 हो गया, हाँ से लगा 1, 2 3 2 5 हो गया। तो आप किधर से भी करें आपको आंसर तो वही मिलना है, मेहनत उतनी ही है, बस चीजें करनी। दी गई प्राकृतिक संख्याओं के अंतर का घन, अच्छा ये देखो कितना बढ़िया है भाई, एक ही में दो सवाल पूछ लिए, ठीक है। दी गई प्राकृतिक संख्याओं के अंतर का घन,
अंतर का घन फिर से भाई 1728। अब बताओ, ये जिसने एक बनाया होगा ना, दूसरे में बहुत आसानी से आ गया होगा उसका, ये तो कंफर्म हो गई बात। ये होल क्यूब दिया था और हमसे पूछा था इनके घनों का योग, यानी कि ए प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू का। अब यहां से देखो, अभी अभी निकाला था, बस उसी तरीके से करना, यानी कि 18 × 6 आया था। अब यहाँ पर 18 का क्यूब आपने किया था 58, 32, और फिर 6 का क्यूब किया था 216, तो 6 × 2 = 8 हो गया, 3 × 1 = 4 हो गया, 8 × 2 = 10 हो गया, और ये 6 हो गया, आंसर आ गया। जिसने पहले वाला कर लिया होगा वो आसानी से दूसरा भी कर देगा। वर्ष 2021 में स्पोर्ट्स साइकिलों की बिक्री में पिछले वर्ष की तुलना में कितने परसेंट की कमी आई? तो 2021 में कितने परसेंट की कमी आई? तो कमी तो 55 की आई, और किससे आई? 200 से, पूरे में कर देंगे 100, तो ये कैंसिल आउट, यानी कि 27.5%। अगला सवाल, अब ये देखो, कह रहा था स्कूल ए और डी को साथ मिलाकर उनमें जीव विज्ञान का चयन करने वाले कुल छात्रों और कुल छात्राओं का अनुपात क्या है? देखो यहाँ से सिंपल ए वाले में देखते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो ऑप्शन में इसमें भी 2 बराबर हैं और इसमें भी 2 बराबर हैं, तो हमें करना तो पूरा ही पड़ता। तो ए में तो टोटल 900 लोग थे, उसमें से 30% ने क्या लिया है? हमारी जीव विज्ञान। अब उसमें से 7:8 में थे, तो 8, 7, 15 हो गए टोटल। हमें क्या चाहिए थे? हमें दोनों चीजें चाहिए, यानी कि इसमें एक बार हम गुणा करेंगे किसका? 5 का 7 का, और एक बार 8 का। तो ये वाले तो हमारे क्या निकल आएंगे? छात्र, ठीक है, और ये निकल आएंगी हमारी गर्ल्स, यानी कि छात्राएं। तो सिंपल सा ये काट लो, और यहाँ 15 × 2 = 30, 9 × 2 = 18 हो गया, यानी कि 18 × 7 = 126 हो गया, 18 × 8 = 144 हो गया। इसी तरीके से हम बी के लिए कर लेते हैं, बी के लिए या डी के लिए? डी के लिए। तो ये 800 थे, इसका 18% ये हो गया। अब इसमें टोटल कितने में थे? टोटल 12 में थे, यानी कि ये 12 की वैल्यू हो गई। अब यहाँ से इसी तरीके से हम 5 बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएंगे? वॉइस आ जाएंगे, और 7 बराबर गर्ल्स आ जाएंगे। तो ये 0 से 0 चला गया, यहाँ से 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18 हो गया। इधर करेंगे 2 × 4 = 8, 4 × 3 = 12, 5 = 60 आ गया, ठीक है, और यहाँ पर 4 × 3 = 12, 7 = 84, ये 84 आ गए। तो जोड़ देंगे, ये 6 हो गया, 6 × 2 = 8 हो गया, 1 हो गया, 4 × 4 = 8 हो गया, 8 × 4 = 12 और 1 = 13 हो गया, और यहाँ पर 238 हो गया। अब इनको काटना बनता है, तो 6 × 3 = 18, 6 × 6, फिर यहाँ से 6 × 3 = 18, कुछ गलत कर दिया क्या? अच्छा, 8 × 4 = 12 होगा यहाँ पर, तो 6 × 3 = 18, 6 × 3 = 48। अगला सवाल, क्रमशः 320 मीटर 540 मीटर लंबाई वाली दो ट्रेनें पी और क्यू समांतर पटरियों पर क्रमशः इतनी और इतनी की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। ट्रेन एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लेंगी? अब एक ही दिशा में चल रही, तो पहले तो दोनों की डिस्टेंस जुड़ जाएगी। आप अगर थोड़ा सा वीडियो में कुछ लग रहा हो ना, थोड़ी सी तबीयत खराब है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि जल्दी से खत्म हो जाए आपका, जैसे मेंस आ रहा है ना तो उसमें कि ये काम आ जाए। अभी CHSL का भी मेंस आएगा तो उसमें भी काम करेगा। एक ही दिशा में चल रही थी तो स्पीड इनकी घट जाएंगी। अब इसमें 5/18 करना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड के लिए, तो ये 0, 4, 2, 6, 5, 3, 8 हो गया। तो यहाँ से 14 से 8 गया तो 6 हो गया, फिर बचा कितना है? 3, और गुणे में था 5/18, तो 18 × 36, 5 × 2 = 10 हो गया, तो 0 कट गया, यानी कि 86 सेकंड आंसर। अगला सवाल, 10 पुरुष किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 12 दिन तक कार्य करने के बाद 3 और पुरुष को इस कार्य को लगाया जाता है, शेष कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? तो देखो 10 पुरुष थे, उन्होंने 12 दिन काम कर लिया, तो काम 25 का था, तो बचा कितने दिन का? 13 दिन का काम बचा है। अब यहाँ पर 3 और पुरुष आ गए, यानी कि टोटल 13 पुरुष हो गए, ये एक्स दिन में निपटा देंगे, यानी कि कितना आ गया? 10 दिन उनको लगेंगे। राज की आय 45,000 है और उसका व्यय इतना है, उसकी आय में 20%, व्यय में इतने, तो बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? तो सिंपल सा इनका रेशियो बना लो, ये चला गया, यानी कि अगर इनकम लिखते 3 से भी काट लो, 3 × 3 हो गया, ये 3 × 3 = 3, 3 × 5 = 15, इनकम क्या हो गया? 15 हो गया, तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 11 हो गया, और फिर यहाँ से हमसे पूछा क्या गया? सेविंग में, तो सेविंग हमारी वैसे नॉर्मल कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अब इसमें क्या हुआ? 20% की वृद्धि हुई, इसमें क्या हुई? 12% की, इसमें कर दो x की, इनका गुणा करते हैं तो 15 × 2 = 30 हो गया, इनका गुणा कर देंगे तो 132 हो गया, और इनका कर देंगे तो 4 × x हो गया। अब इनको घटाएंगे तो 300 से अगर 100 गया तो 200, 200 से 32 चला जाएगा तो 168, और बटे में 4 आ गया बराबर में x, तो 4 × 4 = 16, 4 × 2 = 8। अगर ये माइनस में आता तो लॉस होता, प्लस में आया तो तुम्हारा प्रॉफिट होगा। तो इन सवालों को ऐसे ही किया करो, बहुत जल्दी हो जाते हैं। यदि 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर है तो कितने वर्षों बाद ब्याज मूलधन के बराबर होगा? 25% का मतलब हो गया 1/4,
अगर ये चार है क्या मूलधन, तो हमारा ब्याज कितना होगा, पांच, एक रुपया होगा, समझने की कोशिश करना। अब वो कह रहा था ब्याज मूलधन के बराबर करना है, तो ब्याज मूलधन के बराबर करना है यानी कि चार रुपया करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो एक जो ब्याज मिला है वो कितने टाइम में मिला, पांच, तो चार ब्याज कितने में मिलेगा, पांचों को 20 वर्षों में मिलेगा। सिंपल सी बात थी, साधारण ब्याज में यही तो होता, नहीं तो आप फार्मूला लगाते रहो उससे भी बन जाएगा। या तो ऐसे समझ लो भाई, चार से चीज पांच हो गई ब्याज सहित। अब वो करना चाहता है चार से चीज आठ, तो यहां से देखो कितना मिला उसे, एक रुपया मिला, कितने वर्षों में मिला, पांच वर्षों में। यहां से कै रुपया मिलेगा ब्याज का, चार का, तो एक बराबर पांच है तो चार बराबर 20 हो जाएगा। जैसे भी सोच पाओ वैसे बात है, ए एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, बी 15 दिनों में। बी ने 9 दिनों तक काम किया और फिर काम छोड़ दिया, बचे हुए काम को पूरा करने में ए अकेला कितने दिनों में करेगा। तो ए का कितना था, 20 था, बी का कितना था, 15 था, इनका एलसीएम ले लेंगे तो 60, 20 तिया 60 हो गया, 15 चौकू 60 हो गया। अब क्या हुआ, बी ने 9 दिनों तक काम किया, तो बी ने 9 दिन तक काम किया तो 36 काम कर लिया। अब यहाँ पर 60 से अगर हम 36 हटा दें तो कितना बचेगा, 60 से 30 गया 30 यानी कि 24। अब किन का नंबर आ गया, ए का, तो 8 दिन में ये निपटा देंगे। अगला सवाल, 15 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो सकेंद्रीय वृत्त दिए गए, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो सिंपल सा आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो केवल इतना लिखते हैं आप, 13 लिखते इसको 15 लिखते ये निकाल लेते, ये कितना आ जाता, 15 का स्क्वायर और माइनस में 13 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर 15 और 13 28 हो गया, गुणे में इनका डिफरेंस हो गया 2, तो 14 दूनी 28 होता है, या तो 14 दूनी 28, हाँ ठीक है, फिर इससे 2 बार आ गया ये 14 हो गया। अब एक चीज आपके दिमाग में, ये 2 गुना होना था, अभी हम बता देंगे भाई पूरा, लेकिन आपको करना है सही है, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे मान लो ये 2 वृत्त थे, ये सकेंद्री हो गए, ये इनकी हो गई क्या जीवा बड़े वृत्त की, और ये यहाँ पर हो गया ये और ये, यही चित्र मैंने सेम टू सेम बनाया। तो ये चीजें आपको दिमाग में आपके होनी चाहिए, ये एक्स निकाल ली तो ये टोटल कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी, ठीक है। कॉट ए बराबर इतना, इसका मान निकालना, तो सिंपल है, चित्र बना लो, ये ए हो गया, ठीक है। तो कॉट क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, यानी कि ये 12 है तो ये 5, ये हो गया 13। मान रख दो, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, और ये क्या होता है, आधार बटे में कर्ण होता है, और ये साइन का अपोजिट होता है कोसेक, तो ये 13/5 हो जाएगा। तो 12 × 5 = 17/13 गुणे में 13/5, तो आंसर आ गया 17/5। अगला सवाल, एक कंपनी द्वारा एक पार्क में इतनी ऊंचाई और इतने के आधार व्यास का एक शंकुआकार तंबू लगाया गया, तंबू के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या, पाई आर एल होता है। अब आपको चाहिए क्या, आपको एल का मान चाहिए, तो देखो यहाँ पर 10 और ये 24 हो गया, तो 10 24 26, ये ट्रिपलेट आपने पढ़ा होगा ना भाई, ये शंकु हो गया, ये आपको दे दी थी ये, और फिर ये 48 ये 24 रेडियस हो गई, ये ट्रिपलेट से हमने निकाल लिया इसकी स्लाइंट हाइट, तो ये पाई गुड़े में 24 गुड़े में 26, तो 24 × 6 = 144 हो गया, हासिल लगा 14, 24 × 2 = 48, 48 × 4 = 52 और 10 = 62 आंसर आ गया, ठीक है। और जैसे ही आपने 6 × 24 भी कर लिया होगा ना, तब भी आपको आंसर मिल गया होगा यूनिट डिजिट से। अगला सवाल करते हैं, आप अगला सवाल क्या, चलिए खत्म हो गई। आठ हो सकता है आपको वीडियो में थोड़ा डिसकंफर्ट फील करा रहा हूं मैं, रीजन उसके पीछे है, थोड़ी सी तबीयत डाउन हो गई, मौसम चेंज हो रहा है, कोई बात नहीं, आप लोग बच के रहिए, आप लोगों का मेंस वगैरह लगा हुआ आगे से, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।